बात करेंगे एनएच घोटाले की। NH-74 घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीबीआई जांच के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर केंद्र और राज्य सरकार नूरा कुश्ती कर रही है। इस मामले में कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपना पल्ला इससे छुड़ाना चाह रहे हैं। जिलाधिकारी से मिलकर के क्या NH-74 को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि NH-74 को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बार बार बयान देने का काम किया कि सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। यहाँ तक कि सदन के अंदर भी कहा कि मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि सीबीआई ने NH-74 का जो प्रकरण है उसको टेक ओवर करने का काम किया है। लेकिन नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जो पत्र आया उस समय, उन्होंने इस बात को उस पत्र में कहा कि NH-74 की सीबीआई जांच से जो है NH के जो अधिकारी हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नूरा कुश्ती जो है केंद्र की और राज्य की सरकार क्यों कर रही है। हमको पता है कि सीबीआई के पास इतना लोड होता है कि वो कई बार केसेस को नहीं ले पाती है, और इसलिए हमने समानांतर रूप से SIT की व्यवस्था की, और SIT अभी तक 12 लोगों को अंदर कर चुकी है। अभी आधी जांच हुई है, दो तहसीलों में जांच अभी बाकी है। 185 करोड़ का घोटाला अभी तक सामने आया है। अब मुझे बताइए सीबीआई और क्या करेंगे? सर सीबीआई जांच के बदले नहीं, SIT जांच हो रही है। हमारी एजेंसी सक्षम तरीके से काम कर रही है, परिणाम दे रही है। हमारा लक्ष्य प्रमाणित करना, हमारा लक्ष्य कोई सीबीआई से जांच हुई नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो अपराधी हैं उनकी जहां पर उनको वहां पर पहुंचना चाहिए। SIT उस काम को कर रही है।